बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जो है अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज जो है ना, मेरी सिस्टर आई है कराची से, छोटी सिस्टर, तो कल की आई हुई है, वो मेरे अब्बू के घर थी, तो आज मैंने उन्हें खाने पे बुलाया है। तो मैंने कहा कि चलें खाना भी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि रेसिपी तो मैं बहुत कम ही डालती हूँ। व्लॉगिंग का चैनल है मेरा, व्लॉग बनाती हूँ मैं, तो रेसिपी मैं बहुत कम देती हूँ, जो मुझे लगती है कि मुझे देना चाहिए। तो सिंपल सी और आसान सी बस रेसिपी, जो मुझे अगर दिल करता है कि आज मैं इसकी रेसिपी डालूं तो मैं डाल देती हूं। और ये इधर जो है ना, मैंने कस्टर्ड बनाया है और ऑल पर्स का, और वैसे जो दूध होता है तो वो दोनों मैंने दूध मिक्स करके और मज़ेदार सा यमी सा कस्टर्ड तैयार कर लिया था। और कस्टर्ड जो है ना, मैंने भगोने में उसमें एक तरफ निकाल लिया डिशों में और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। और ये जो है ना, ये मैं बना रही हूँ मुर्ग कौरमा, ठीक है। और मुर्ग कौरमे की जो रेसिपी है ना, मेरे चैनल पे है, अगर आप लोगों को किसी को देखना हो तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ कस्टर्ड देखें, ये ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया एक तरफ। जेली भी बना ली, और देसी मुर्गा था ये, तो फार्मी जो मुर्गी है ना, चिकन है, हमारे घर में बहुत कम आती है, तो नहीं लाते मेरे हस्बैंड, बहुत कम आती है, तो देसी मुर्गा ही लेकर आते हैं। और अभी मौसम जो है ना थोड़ा चेंज हुआ है, और आगे जो जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, तो हम लोगों के यहाँ ज़्यादा यही बनता है और यही हम लोग खाते हैं। और इधर ये देखें, मैंने प्याज ना आधे घंटे पहले मैंने इसको प्याज को जो है बारीक काट के और फ्रीज़र कर दिया था, फ्रीज़र में रख दी थी, इसे जो है कवर करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। उससे क्या होता है कि प्याज जो है ना क्रिस्पी हो जाती है, और जब आप कोरमे के लिए फ्राई करते हैं ना, बड़ी अच्छे कलर की जो है ना प्याज रेडी होती है हमारी फ्रीज़र में रखने से। तो ये भी एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, तो आप लोग कीजिएगा ऐसे कोरमे की प्याज को। ये देखें किस कितनी अच्छी है जो है ना, गोल्डन हुई है, कलर देखें कितना अच्छा इसका आया है। और अभी मैंने जो है ना कोरमा हमारा बन गया फटाफट से, देखें कैसे मैंने फटाफट से कोरमा तैयार करा। कोरमा मैंने एक तरफ रख दिया दूसरे चूल्हे पे, और इधर जो है ना अभी मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, साथ में मैंने उसमें थोड़े आलू भी डाल दिए थे दो तीन। तो मटर ये है कि अभी नई नई आई है, तो जब नई नई मटर आती है ना, तो मटर चावल जो है ना मटर पुलाव बड़ा मज़े का लगता है मटर का। तो ये देखें जादू की छड़ी से जो है ना, मैंने मिनटों में जो अपना मटर पुलाव भी तैयार कर लिया है। और जो है ना ये अभी जो है ना, मैं अब कबाब फ्राई कर रही हूँ, और कबाब भी मैंने बना लिए थे साथ साथ, तो सब चीज़ें देखें मैंने तैयार कर ली थी। और बड़ी मेहनत लगती है भाई खाना पकाने में, ये ऐसे जो वीडियो में आप लोग देखते हैं ना, फ़ौरन से चीज़ें तैयार हो गई, तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि मैंने क्या क्या बनाया। और रेसिपी की यह ऐसी मैंने रेसिपी नहीं डाली, बस आप लोगों को दिखाया जस्ट कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। और ये खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने बीफ के कबाब भी बनाए थे साथ, तो वो भी मैंने फ्राई कर लिए जल्दी से। और अभी जो है ना सबसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने फटाफट से खाना लगा लिया फिर। और ये देखें कस्टर्ड बड़ा यम्मी बना था, टेस्टी बना था। और नोविटा वाले मैंने इसके ऊपर जो है ना बिस्किट भी डाले थे कस्टर्ड पे, तो बड़ा मज़े का लग रहा था कस्टर्ड। और यह मज़ेदार था, हमारा खाना रेडी हो गया। और अभी जो है ना हम खाएंगे अपना खाना बड़ी मेहनत करने के बाद। तो जनाब हमारा खाना भी रेडी हो गया, खाना लगा दिया और सबने खाना अपनी अपनी प्लेटों में डाल लिया है। और मैंने भी जो है ना, जब से मटर आए ना, भी आज हमारे घर पहली दफ़ा मटर पुलाव बनाए, ठीक है भाई, तो मैंने तो जो है ना मटर पुलाव ही खाया, और पेट भर के मटर पुलाव ही मैंने ज़्यादा खाया। और सालन रोटी तो थोड़ी बहुत मैंने चखी थी, और बड़े मज़े का मटर पुलाव बना था, बहुत अच्छा लग रहा था, और कबाब भी बहुत टेस्टी बने थे, ठीक
ठीक है। और जो है ना मज़ेदार सा हमने अपना डिनर किया। बताएं भाई किस किस को पसंद है मटर पुलाव? मुझे तो बहुत पसंद है मटर पुलाव के साथ टमाटर की चटनी, हरा धनिया और हरी मिर्च और टमाटर की जो चटनी पीसते हैं ना, और उसके साथ फिर जो मूली होती है, तो मूली तो मिली नहीं थी और टमाटर हरी मिर्च भी जो है ना ख़त्म हो गए थे, तो चटनी भी मैं नहीं बना सकी। लेकिन मटर के चावल के साथ ना चटनी और मूली बड़ी अच्छी लगती है। और ये है हमारा मीठा, तो अब जो है मीठे की बारी है, तो फिर ये मेरी प्याली है। और मीठा जो है ना भाई मेरा फेवरेट है, मैं मीठा कोई सा भी मीठा हो हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है मीठा। और उसके बाद आई बारी कोल्ड ड्रिंक की, तो यही थी मेरी वीडियो और आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।